ओल का चोखा इस तरह से बना सकते हैं। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। आज चलिए हम लोग ओल का चोखा बनाते हैं। इसके लिए ओल जो है उसको अच्छी तरह से मिट्टी तर से निकाल कर उसको अच्छी तरह से साफ करके फिर कुकर में पानी डाल करके ओल को बड़ा सा था तो उसको काट करके और उसको उबलने के लिए रख दिए। कम से कम 3 या 4 सीटी आप ओल को लगा दीजिए। ये हल्का सा लगता है हो ओल, इसलिए इसमें खटाई 4 सीटी लगा दीजिए तो ओल पक जाता है। जिस तरह आलू होता है उसी तरह ओल है, धरती के नीचे होता है ओल, और हमारे बिहार में बहुत शौक से आदमी खाते हैं ओल का चोखा। अब इसको उबाल लिए, ठंडा हो गया हल्का सा। अब इसको ऊपर से जो छिलका है उसको इस तरह से आप हटा दीजिएगा। हल्का सा गला में कब कब टाइप के लगता है, इसीलिए ओल को हम लोग देख करके लेते हैं किस तरह का व्हाइट वाला ओल है या रेड वाला ओल है। तो इस तरह से आप जब भी ओल खरीदें तो जो लाल पूरा लाल रहता है वो आपको ज़्यादा लगता है, थोड़ा व्हाइट टाइप के रहता है वो कम लगता है। तो इस तरह से हम सब ओल को ऊपर से छिलका हटा करके पूरा पका हुआ है उसको अच्छी तरह से मिस लेंगे। ठंडा महीना ओल का चोखा या चटनी बनता है, खाना चाहिए, सब्जी भी खाना चाहिए, ये गर्म होता है ओल। अगर आपके शहर में मिलता होगा तो आप लोग भी बनाकर खाइएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और उसमें उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, अब उसमें छौंका लगा दिए। छौंका लगाने के लिए सरसों के तेल डाल दिए, काला सरसों होता है उसको डाल दिए। ये अदरक का लहसुन है तो महीन से कटिंग कर लिए उसको डाल दिए, अदरक डाल दिए, लहसुन डाल दिए, फिर हरा मिर्चा है उसको कटिंग करके रखे हैं उसको डाल दिए। इसको अच्छी तरह से छन्नी के सहारा से चला देंगे। ये बहुत जल्दी बनता है, एकदम चटपटा चटनी लगता है। ये भात दाल चावल के साथ खाते हैं चटनी चोखा तो खाइए, रोटी के साथ भी चोखा खाइए, किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और हल्का सा आधा चम्मच लाल मिर्चा डाल, आपको देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। इस तरह से अब इसको जो चोखा बना है उसमें इसको डाल देते हैं। अब नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, नींबू का बीज हटा करके नींबू निचोड़ लीजिए, वो तो बीज इसी में गिर गया, अब हटाना होगा। और धनिया पत्ता अगर पसंद करते हैं धनिया पत्ता का फ्लेवर तो थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आपको नींबू नहीं होगा तो आप खटाई भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है चोखा खाने में। एक बार ट्राई करिएगा, कैसा बना आपका चोखा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बन गया, अब इसको सर्व करते हैं। एक छोटा सा कटोरा ले लिए, अब उसमें इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, ऊपर से आधा नींबू कटिंग करके या हरा मिर्चा जो भी है आपके पास वो रख लीजिए। देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो भरपूर बहुत टेस्टी है, कभी कभी खाना चाहिए।